ये क्वेश्चन देखिए क्लास 9 का है आईसीएसई बोर्ड का, और इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। बोलता है एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, ये जो है आपका राइट एंगल है, एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। पी जो है ए से जो परपेंडिकुलर डाला गया है बीसी पे उसका लेंथ है। सो दैट पी ए इज इक्वल टू बीसी। अब यहां पर देखिए पी ए है और ये ए है, और इधर बी ये है आपका और सी ये है। तो यहां पर दोनों का प्रोडक्ट है पी ए और पी बी, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। इसका मतलब है प्रोडक्ट तभी निकलेगा जब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। एक बार इस ट्रायंगल का एरिया जो है बेस बीसी को लेंगे और हाइट लेंगे ए बी, और एक बार जो है ये हो गया हाइट और ये हो गया बेस, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, सिंस दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, दोनों को इक्वेट करने से हमको मोस्ट प्रोबेबली ये रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए इन ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बार आपको समझने के लिए बेस देखिए, इस बार लिए हैं ए बी सी, बेस माना है हमने ए बी को, तो ए बी इंटू हाइट है क्या चीज एसी। अब देखिए 1/2 इंटू ए बी को यहां पर दिखाया गया है क्या है वो सी के इक्वल, तो सी दिया, और एसी को यहां पर दिखाया गया है बी, तो ये हो गया 1/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज बी सी, इसको 1 एज्यूम कर लीजिए। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया अब दूसरे तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा, बेस को बदल देते हैं। बेस ये बीसी को मानते हैं और हाइट ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट भी हो गया एडी, तो हाफ इंटू बेस इस बार लेंगे बीसी को और हाइट लेंगे किसको एडी को, तो ये हो गया 1/2 बेस बीसी को यहां पर दिखाया गया है ए, तो यहां ए लिखेंगे, लेकिन बुक के डायग्राम में ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक ए दिया हुआ है, वो नहीं होगा, ये पूरा बीसी ए है, तो ये हो गया ए इंटू ए बी हो गया पी, यहां पी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2 क्या थी पी ए नहीं, इसको मान लीजिए टू। अब देखिए इक्वेशन 1 का LHS जो है एरिया ऑफ एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और इक्वेशन 2 का LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है। LHS दोनों का बराबर है, इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 RHS भी इक्वल होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हाफ बीसी इज इक्वल टू हाफ पी ए, हाँ या ना, तो हाफ से हाफ कैंसिल, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू क्या चीज पी ए प्रूव्ड, ये पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया, हाँ या ना। तो अब इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं फिर बताते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया, क्या पी ए इज इक्वल टू क्या चीज बीसी। अब देखिए सेकेंड पार्ट जो है प्रूव करने के लिए, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, अब
अब जो है सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए इस रिलेशन का, इस रिलेशन हैंस डिड्यूस्ड है, इसका मतलब इस रिलेशन को हमको यूज करना है। रिलेशन क्या हुआ, बीसी इज इक्वल टू क्या चीज, पीए, हाँ या ना। अब देखिए आपको जो रिजल्ट लाना है उसमें पी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तभी आएगा जब हम इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो बी का स्क्वायर भी हो जाएगा, सी का स्क्वायर भी हो जाएगा, पी का स्क्वायर भी हो जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, हाँ या ना। तो इसके लिए लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अरे भाई ये स्क्वायर में लाना था और ये सिंपल रिलेशन आपके पास है, तो आप बोलोगे कि मैं स्क्वायर क्यों करूं, तो जो सेंस स्क्वायर लाना है इसीलिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या चीज। इससे एक चीज और कर सकते हैं, पहले लिख लीजिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। अब एक काम करिए, पी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, वन इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ले आते हैं और पी स्क्वायर को इधर लाते हैं, क्यों लाएंगे, ऐसा क्यों करेंगे। सिंस हमको एक साइड में क्या लाना है, वन बाय पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर में अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पी स्क्वायर को अगर इधर इंटू में है इधर गया है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा इस सेकेंड वाले पार्ट का एलएचएस निकल गया, आया ना, सेकेंड वाला पार्ट का एलएचएस निकल गया। अब इसको जो है दोनों बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इस इक्वल साइन के इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय क्या चीज, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आया ना। तो एल एच एस एक पार्ट आ गया, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखिए इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये है आपका क्या चीज, हाइपोटेन्यूस है कि नहीं, तो ये चैप्टर जो है जिसका ये क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम का है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, आया ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर है इसको मान लेते हैं, तो यानी किसका, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो बी सी जो है ये है ए, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर यानी दैट इज बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज सी का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ए के जगह पे यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना, यहां से यहां मान लेते हैं इक्वेशन थ्री, तो ये लिख सकते हैं ए के जगह पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम क्या, इक्वेशन थ्री बाय ये हो गया क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझो कि नहीं बात है। अब देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, ये तो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अब अलग अलग कर देते हैं, ये पार्ट को अलग कर देते हैं, यानी बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस साइन है प्लस देंगे, फिर सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आया ना। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ रहा है आपका वन बाय पी स्क्वायर के, आया ना, ये आ रहा है वन बाय पी स्क्वायर के, तो ये हो गया आपका वन बाय पी स्क्वायर, यहां बचा क्या, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो वन बचा बाय, नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस ऊपर में वन बचा, नीचे बचा बी स्क्वायर, और मोस्ट प्रोबेबली यही आपको प्रूव करना था, ये देखिए वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर प्रूव्ड। कोई दिक्कत है no. नहीं, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।